इधर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सोमवार को पटना से रांची पहुंची। आज ट्रेन में यात्री सवार थे, बल्कि यह केवल ट्रायल रन था। ट्रायल रन में ट्रेन अपने निर्धारित समय से पहले ही रांची स्टेशन पहुंच गई। पटना से रांची तक का सफर करने में सिर्फ 5 घंटे 45 मिनट का वक्त लगा। हालांकि वंदे भारत भी खुद को सियासी मार से बचा नहीं पाई। कांग्रेस ने वंदे भारत के आगमन पर पीएम मोदी से सवाल पूछा है कि बात बुलेट ट्रेन की हो रही थी, उसका क्या हुआ? ये अच्छी बात है वंदे मातरम ट्रेन की शुरुआत, लेकिन बात तो बुलेट ट्रेन की थी, उसका क्या हुआ? बुलेट ट्रेन पे सुना कि ब्लूप्रिंट भी उसका तैयार हो गया था, कर्ज भी आ गया था, तो बात हुई थी बुलेट ट्रेन की और चल रही है वंदे मातरम ट्रेन, तो ठीक है, ये भी अच्छी पहल है, रांची की जनता को इसका लाभ मिलेगा, तो हम इसका हम वो नहीं है कि अगर कोई अच्छी पहल हो तो भी हम राजनीति के लिए उसका विरोध करें, जो अच्छी बात है वो अच्छी बात है। तो इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ रांची से सहयोगी शंकर ठाकुर जुड़े हुए। जी शंकर, कांग्रेस के लिए हर चीज सियासत क्यों बन जाती है? पूरा देश खुश है कि नई ट्रेन आई, व्यवस्था बेहतर हो रही है, कांग्रेस मुंह क्यों फुलाई बैठी है? क्या कांग्रेस को लग रहा है कि उन्हें यहाँ भी सीट नहीं मिलने वाली? जी बिल्कुल, सीधा तौर से चूंकि भारत की एक रहा है, चूंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो पक्ष और विपक्ष दोनों आपने सामने तो जरूर होंगे। कांग्रेस चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की रेलवे प्रोजेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो है रेल ट्रेन विभाग है जो चलाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं झारखंड में चूंकि चुनावी दौर अब आने वाली है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपनी रोटी सेकना स्टार्ट कर दी है। चूंकि अभी मौजूदा में गठबंधन की सरकार चल रही है झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की, तो कांग्रेस अगर कोई भी उपलब्धियां अगर बीजेपी या उसके सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कर रही है तो उनका कहीं ना कहीं ये विरोध करेगी या उनका कटाक्ष करेगी, तो सीधे तौर से कांग्रेस जो है ये वंदे मातरम ट्रेन जो आज ट्रायल के रूप में झारखंड में स्टार्ट किया गया रांची में, तो उसपे सीधे तौर से कांग्रेस का कहना है कि ये जो है बुलेट ट्रेन लाने की बात थी, लेकिन ये बुलेट ट्रेन नहीं है, ये वंदे मातरम ट्रेन है। बुलेट ट्रेन की जो लॉन्चिंग भी करा लिया गया था वो नहीं हो पाया, इस तरीके से कई बयानबाजियां तेज हो गई है। जी शंकर, क्या जरूरत ये नहीं है कि इसे बेहतर करने में सहयोग किया जाए? और जहां तक रही बात बुलेट ट्रेन की, तो क्या देश तैयार है इसके लिए? क्यों कोई भी नई चीज स्टेप बाय स्टेप लाई जा रही है? जी बिल्कुल, चूंकि देखिए विकास की अगर बात हो रही है तो कहीं ना कहीं देश की विकास की बात हो रही है, जनता के हित के लिए जो काम किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक पार्टियां चाहती है कि वो उनकी राज्य हो या उनकी सरकार में ये सब उपलब्धियां हासिल करे और ज्यादा से ज्यादा अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने गिना पाए, मेन मुद्दा तो यही है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप लाने की, तो जाहिर सी बात है सही है कि पहले ट्रायल के रूप में बुलेट जो अभी वंदे मातरम ट्रेन को चलाया गया है, और हो सके इसका अगला स्टेप हो जो बुलेट ट्रेन के रूप में रेलवे विभाग या रेलवे मंत्री जो है ये चलाने का काम करेंगे। जी आकाश शंकर, अगर राजनीति से परे हटकर अगर बात करें तो जिस तरह से आज ट्रायल किया गया, तो इसका सुचारू रूप से संचालन कब से किया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं आज बता दूं कि रांची से पटना के बीच में जो आज ट्रायल के रूप में इस ट्रेन को किया गया, और ये ट्रायल जैसे ही 2-4 जैसे स्टेशन है वहां से गुजरा, और उसके बाद 1:30 बजे के करीब में रांची स्टेशन पहुंचा। उसके बाद यहाँ पे लोगों का जो एक तरीके से लोगों के बीच में जो जानने की या देखने की जो ललक है यहाँ साफ तौर पर रेलवे स्टेशन पे देखी जा रही थी। लोग इस ट्रेन के बारे में मैंने अच्छे विचार व्यक्त कर रहे थे कि चलिए रेलवे के एक और है जो जल्दी में जाने की अगर बात करें, पटना से रांची की दूरी करीब करीब 8 से 10 घंटा की लग जाता था, लेकिन अब ये दूरी जो है सीमेंट के 6 घंटे में आ गया है। तो कहीं न कहीं यहाँ की जनता या यहाँ की जो पैसेंजर या सवारी करने वाले के लिए कहीं न कहीं एक खुशखबरी की बात है, और बहुत जल्द चूंकि ट्रायल के रूप में आज इसको उतारा गया था, और हमको लग रहा है कि नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ में ये सुचारू रूप से इसको
चलाने का काम करेंगे, चूंकि टेक्निकल इसमें होती है बहुत सारी चीज, टेक्निकल अगर सही तरीके से सब चीज फिट बैठती है तो उसके बाद विभाग जो है इसको हरी झंडी दिखा देती है कि हाँ ये अब रेल जो है पटरी पे सुचारू रूप से दौड़ाया जाए। जी आकाश जी शंकर, इसके संचालन को लेकर क्या कुछ जानकारी? जिस तरह से जनशताब्दी एक्सप्रेस जो कि रांची पटना को जोड़ती है वो हर दिन ही चलती है, तो वंदे भारत पे हर दिन चलेगी या फिर इसे भी अल्टरनेट वेज पे रखा जाएगा? जी बिल्कुल, अभी तो इसका शेड्यूलिंग अभी टाइमिंग जो है शेड्यूलिंग जो है वो अभी बना ही जा रहा है, क्योंकि मैं बता दूं कि ये 16 बोगी का है और ये अगर हर दिन चलेगा, क्योंकि 6 घंटे के सफर में है ये, 6 घंटा पटना रांची करेगी, तो मे भी संभावनाएं है कि इसको डेली के रूटीन में ही इसको लाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग है जो पटना से रांची कम समय में आना जाना चाहते हैं, जॉब के लिहाज से या स्वास्थ्य के लिहाज से, कई ऐसे मामले को लेकर आना जाना करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, तो संभावनाएं जताई जा रही है कि इसकी डेली शेड्यूलिंग ही किया जाएगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग है, चूंकि ट्रायल किया जा रहा है तो अल्टरनेट ही इसको अभी स्टार्टिंग करेंगे, अपने रूटीन पर जैसे आता है तो हो सकता है रेलवे विभाग इसको पर डे के अनुसार से इसको हरी झंडी दिखाया जाएगा। जी शंकर, हमारे साथ जुड़कर तमाम सटीक जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।